गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 31 जुलाई, यानी कि लास्ट डे ऑफ जुलाई का है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, और ये कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है, ठीक है। और कुछ नया करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब होता है कि किसी को डांटना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, किस लिए, जब आपने कोई काम गलत किया हो और या फिर ना किया हो, ठीक है। जब आप कोई काम कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर गलत कर देते हैं, तब डांट पड़ना, डैट इज़ कॉल्ड रैप ऑन नकल्स, ठीक है। वैसे रैप ऑन का मतलब डांटना होता है, नकल्स का मतलब उंगलियों से दबाना होता है, ठीक है। मसलना कह सकते हो, मारना बोल सकते हो, वो चीज़ है, लेकिन हम एग्जैक्टली एक एक वर्ड का मीनिंग तो नहीं निकालेंगे बिकॉज ऑफ ये ईडियम है। तो रैप ऑन द नकल्स का मतलब क्या होता है, डांटना। एक्चुअली ये है क्या, अभी आपने देखा होगा लिंचिंग के केस बहुत आ रहे हैं। सो लिंचिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर के क्या होती है, अटैक कर देती है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, डैट इज कॉल्ड लिंचिंग। समझ में आ गया, लिंचिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की टू होल्ड द स्टेट एंड सेंटर टू अकाउंट, उन्हें जिम्मेदार ठहराने की ऑन मॉब वायलेंस, की जो भीड़ होती है, मॉब का मतलब भीड़ होता है, कि भीड़ का जो वायलेंस है, हिंसा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, लिंच का, चलो एक आ गया, दो आ गया, लेकिन हर जगह आए जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब तो सरकार जो है फेल हो रही है ना। तो इस एडिटोरियल को हम करने वाले हैं डिस्कस, और एडिटोरियल बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी बुकैप मिलने वाली है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी वोकैब कवर कर लेते हैं, ताकि आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वोकैब इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर पाएँ और याद कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद करेंगे पी बाई क्यू, ठीक है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चलेगा कि किस तरह के पेपर आए हैं और आते रहेंगे, क्लियर। आज का देखो मैं ऊपर कर देता हूँ। नकल्स का मतलब द एक्ट ऑफ स्पीकिंग समवन सीवियरली, मतलब खतरनाक रूप में बोलना, गुस्से से बोलना, क्योंकि समथिंग दे हैव डन, क्योंकि उन्होंने कुछ कर दिया गड़बड़, क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है सैक्रो सैंक्ट, इसका मतलब पुण्यमय होना, रक्षणीय होना, या कुछ चीज पवित्र होती है ना, तो उसकी रक्षा करना, डेट इज कॉल्ड सैक्रो सैंक्ट, यानी मस्ट बी कैप्ट सैक्रेड, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, ठीक है। सैक्रेड, ये वर्ब जो आएगी सैक्रेड के फॉर्म में आएगी, इतना ध्यान रखना। दूसरा है ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। विजिलेंटिज्म बोल दो या विजिलेंस बोल दीजिए, बात एक ही है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, सतर्कता, यानी द एक्शन ऑफ विजिलेंस कमेटी इन एनफोर्सिंग लॉ, ठीक है। विजिलेंस, CGL में एक विजिलेंस की एक पोस्ट होती है, जो यहाँ पर पोर्ट पर लगते हैं, या फिर आपके जो, चाहे आपके नॉर्मली पोर्ट हो जहाज़ वाले, या फिर आपका एयरपोर्ट हो, वहाँ भी विजिलेंस वाले लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सतर्कता दर्शाने के लिए, या फिर किसी पे शक है तो उस पे पकड़ने के लिए कोई, ठीक है, गलत काम कर रहा है, तो वो चीज़ अब जो भी है, ठीक है, मैंने आपको उसे रिलेट किया है ताकि आप याद कर पाएँ। यूफेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार आया हुआ है। कोमल भाषा, यानी इनऑफेंसिव एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, यानी इस तरह से बात करना ताकि दूसरे को दुख ना पहुँचे, ऑफेंड ना हो। वंटन का मतलब होता है निर्दयता व्यवहार करना, कैजुअल एंड अनरिस्ट्रेन इन बिहेवियर, मतलब किसी पे कंट्रोल ना होना, ठीक है, उस टाइप का पर्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब आए हुए हैं, ध्यान रखना। लापरवाही का मतलब, नॉनचलेंस का मतलब लापरवाही, बेपरवाह, अनकंट्रोल, इनडिफरेंस, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड डेमोनाइजिंग का मतलब होता है अ बिलीफ इन, किसी में विश्वास होना, रेवरेंस फॉर डेविल्स, यानी कि जो आपके राक्षस होते हैं, ठीक है, मैं इसे गलत लिख गया, मैं रख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, राक्षस, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, या दाना वगैरह, ठीक है, कुछ बोल दीजिए आप, तो उनको, उनके प्रति बिलीव होना, उनके प्रति क्या होना, सम्मान होना, डेमोनाइजिंग कहलाता है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है विशिष्ट रूप से पहचानना, आइडेंटिफाई एज अ बिलोंग टू अ सर्टेन टाइप, यानी किसी भी बिलोंग, किसी भी कैटेगरी से या किस तरह के हो, ये चीज़ पहचानना टाइप कास्टिंग कहलाता है। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार होता है, द एक्ट ऑफ क्रुएल्टी या इनह्यूमैनिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा है रीक का मतलब होता है बदला लेना, क्रोध में करना, कॉज टू हैपन,
टू अकर एज अ कंसिक्वेंस। ठीक है, गुस्से में जब हम कर देते हैं तो बदला ऐसा लगता है कि ये बदला ले रहा है, डेट इज कॉल्ड रीट। फीट का मतलब होता है हुक्म, आदेश। अ लीगल बाइंडिंग कमांड और डिसीजन, यानी कि लीगली आप किसी भी डिसीजन पे क्या हो बंधे हुए हों करने के लिए, तो डेट इज कॉल्ड फीट। समझ में आ गया? तो ये आज की बुकैप थी, कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं, और आपको कितनी बुकैप इसमें से मालूम थी पहले से ही, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताएं ये बुकैप आपको कितनी याद थी इसमें। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं हम आज के प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये टीयर टू में CGL के 7 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। अभी ये जो फिनिश हुए हैं पेपर, तो उसकी जैसे ही की आती है तो फिर सॉल्व कराने लगेंगे उसको भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंट मे थॉट, जो आंटी थी सोचती थी अंकल्स जॉब। ठीक है, यानी अंकल केन्स जॉब, अंकल की जो जॉब है एज ए मैनेजर एट फिरपोज होटल इन शिमला, शिमला में जॉब है, वो आज अ स्टेबल वन। ठीक है, अब स्टेबल का मीनिंग बताना है, वो भी एंटोनिम। ठीक है, देख लेते हैं। ल्यूक्रेटिव पहला वर्ड है आपका, ल्यूक्रेटिव, ध्यान देना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जहाँ जो कोई चीज़ लुभाने वाला हो, लुभाने वाला। ठीक है, और क्या हो सकता है फ़ायदेमंद, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ये, यानी ल्यूक्रेटिव का मीनिंग। परमानेंट तो आप जानते हैं, परमानेंट स्थाई होना। ठीक है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है कि भी कोई भी चीज़ लंबे समय तक चलना। ठीक है, कहाँ चलना, लंबे समय तक। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, टिकाऊ बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, स्थाई, स्थिर, हाँ स्थाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक चल रहा है तो स्थाई भी हो गया। अब बात आती है म्यूटेबल। देखो ध्यान रखना, ये परमानेंट, ड्यूरेबल, ये दोनों तो सेम है, पक्का दिखाई दे रहा है। ल्यूक्रेटिव अगर कोई फ़ायदेमंद है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रखेगा। ठीक है, अब बात आती है म्यूटेबल। अगर आपको मान लीजिए कि आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं मालूम है इसका, तो वैसे भी ये तीन तो हट गए नॉर्मली सोशियोलॉजिकली, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो स्टेबल है उसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? अब देखिए, और मैं पहले लेता हूँ, चलो ठीक है, और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, पहले मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एग्जैक्टली मीनिंग होता है अस्थाई। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अस्थाई या फिर नॉन परमानेंट बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, नॉन परमानेंट, यानी कि जो परमानेंट ना हो। अब ये देखिए, सबके सब मैंने क्या बता दी, ये मीनिंग बता दी। क्या आपका ये क्वेश्चन सही गया या नहीं गया, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि अभी भी मिस्टेक कहाँ पर है, आप लोगों की तैयारी मतलब क्यों नहीं हो पा रही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है, वो देख लेते हैं भाई क्या है सेगमेंट में। डेनियल सेट ऑन, सेट ये पास्ट में है। ठीक है, शुरू की हिज न्यू बाइक, एक नई बाइक थी, एंड बेंट फॉर आ राइड। ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है। देखो जाहिर सी बात है, बेंट फॉर आ राइड हो सकता है, बेंट आ राइड हो सकता है, अफार यहाँ नहीं आएगा, लास्ट में लिखिए। ठीक है, डेनियल सेट ऑन, बैठ गया था वो, ठीक है, हिज न्यू बाइक, अपनी नई बाइक पर, एंड बेंट आ राइड, और वो राइड पर चला गया अफार। अफार यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, यानी कि जो एरर है वो इस वाले पार्ट में है। कौन से पार्ट में, 1, 2, 3, यानी कि थर्ड पार्ट में। अब अफार बल्लब केश कहाँ पर, ये देखिए ये है। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर, वो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा उचित आपका ऑप्शन है, वही फिल करना है। वेन द विक्टिम, विक्टिम मतलब पीड़ित था। ठीक है, जो भी पीड़ित था वो, उसकी बात हो रही है। नरेटेड, नरेटेड मतलब उसने बताया, हिज वर्जन ऑफ इंसिडेंट, उसने इंसिडेंट की घटना को जब एक्सप्लेन किया या बताया। ठीक है, द जूरी, जूरी मतलब जज, जो ग्रुप ऑफ जज बोल सकते हैं। ठीक है, वॉज, ठीक है, अब यहाँ फिल करना है, अब यहाँ फिल करना है तो क्या आएगा, ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, परफेक्टली सेटिस्फाइड, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और एक्सक्रूशिएटिंग सेटिस्फाइड।
ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों को ही बताने मालूम होना चाहिए पहले मीनिंग, तब हम यहाँ फिल करेंगे। चलो पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। देखो ऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदार होता ही है, ये मैं यहीं ले लेता हूँ, ईमानदार। परफेक्टली मतलब पूर्णतः, और कंप्लीटली का मतलब पूर्णता होता है, एक्सक्रुशिएटिंगली का मतलब होता है कोई चीज़ बताना दर्द में, दर्द में। यह मैं पेनफुल लिख देता हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है, ये मीनिंग हुआ। अब जब नरेटर बता रहा था तो जूरी क्या हुए थे, पूर्णतः सेटिस्फाइड ही तो हो गए होंगे। जब एक व्यक्ति ने बताया तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर आंसर, ठीक है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वाला आंसर आपका पता चल गया होगा, यानी कि पूर्णतः सेटिस्फाइड। अब ये मैंने तीन क्वेश्चन कराए हैं, तीन में से कितने क्वेश्चन आपने किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ वो भी मुझे बताइए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या मैं इसकी जो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है बोल देता हूँ, जो स्ट्रेंथ है टफ होने की, क्या और बढ़ा दूँ उसे, ठीक है, और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये भी ज़रूर बताएं, और शेयर कर दिया करो जिससे कि ना मुझे एक मोटिवेशन मिले, हाँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ। अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, तो एग्ज़ाम भी थे कुछ दिन पहले तो इस वजह से नहीं बन पा रही थी, बट अब रेगुलर बेस पे सारी चीज़ें हमको मिलने वाली, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रैप ऑन नकल्स, किसी को डांटना फटकारना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्राइड, कोशिश की होल्ड जिम्मेदार, ठीक है, स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना मॉब वायलेंस पर, जो भीड़ द्वारा, ठीक है, या जनता द्वारा जो वायलेंस हो रहा है उसको सरकार के लिए ठहराया गया जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ एक और उसे कर देता हूँ एक्सप्लेन। इट इज़ मैटर ऑफ शेम, बहुत ही शर्म की बात है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, किस किस के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, डैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैड रिमाइंड देम टू देयर, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उन्हें कराया याद दिलाया, ठीक है, देयर कंसिस्टेंट फेलियर, कंसिस्टेंट बोले तो लगातार, कि लगातार फेलियर इन द पास्ट 5 ईयर, कि पिछले 5 सालों में अब लगातार फेल हुए हो, काम करने अगेंस्ट लिंचिंग ऑफ, किसी जो लिंचिंग केस होते हैं यानी जनता द्वारा लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है, सब इकट्ठे होकर पिटाई लगाते हैं तो वो मर जाता है, तो वो लिंचिंग केस कहलाता है, कि लिंचिंग केस के खिलाफ कोई काम करने में या कार्रवाई करने में, ठीक है, आप लोग लगातार 5 साल से फेल होते आ रहे हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट के लिए और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आगे बोला है मॉब वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम, जो मॉब वायलेंस भीड़ की जो वायलेंस हो रहा है या हिंसा हो रही है वो मुस्लिम एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ऐसे सेक्शन जो थोड़ी संख्या में कम है, बाय काओ विजिलेंट इन पर्टिकुलर, ठीक है, क्या बोल के हो जाता है कि हम लोग काओ के विजिलेंट हैं, काओ की रक्षा करते हैं और ये लोग इन्हें ले जाते हैं, ठीक है, काटने के लिए, इसलिए उनकी पटेल लगा देते हैं, ये कहा जाता है, यानी कि पिछले 5 सालों में चाहे स्टेट गवर्नमेंट रही हो या राज्य सरकार रही हो, वो राज्य सरकार रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, वो दोनों ही विफल रही हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, यहाँ तक सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। फॉलोइंग अ पिटीशन, फॉर पिटीशन मतलब जो याचना डाली गई थी बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमन हाइलाइटिंग दिस फेलियर, कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमन के द्वारा पिटीशन डाली गई, उसमें ये हाईलाइट किया गया था, दर्शाया गया था ये वाले जो फेलियर की बात हो रही है उसकी। द कोर्ट हैज़ आज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि होम मिनिस्ट्री से जब पूछा गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड हरियाणा आर टू रिस्पॉन्ड इट, कि ये जो राज्य हैं वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी जो सरकार बताए कि ऐसा इसमें क्यों हुआ, क्लियर। आगे देख लेते हैं, सॉरी ये तो सेंटेंस पूरा ही है, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, इन 2018 2018 में द कोर्ट इन तहसीन एज पूनावाला विद यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक केस का नाम है उसकी बात हो रही है, हैड हेल्ड डैट
इट वॉज द सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन एंड डेट द अथॉरिटीज हैव द प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट विजिलेंटिज्म ऑफ एनी काइंड। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान से सुनना कि इस केस में 2018 वाला जो केस है उसमें क्या पाया गया या क्या क्या चीज़ ठहराई गई, वो ये बताया गया कि इट वॉज द सैक्रोसैंक्ट यानी कि ये पवित्रता, ये पवित्र ड्यूटी होती है ऑफ द स्टेट की, राज्य की, टू प्रोटेक्ट करे, रक्षा दे, रक्षा प्रोवाइड कराए जीवन के लिए, ठीक है, ऑफ द सिटीजन जो लोग हैं नागरिक हैं उनको उनके जीवन के लिए रक्षा प्रदान करें। डैट ये किसकी मौलिक कर्तव्य होता है स्टेट का, ठीक है। डैट द अथॉरिटी जो वहाँ के प्रशासन हैव द प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन उनका मुख्य ये दायित्व है, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्रिवेंट रोके विजिलेंटिज्म ऑफ एनी काइंड कि जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम विजिलेंस का काम कर रहे हैं, हम लोग गाय को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस को रोकने की कोशिश करें, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बाकी तो देखते हैं, ये सरकार इस मामले में तो फेल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कहता है। इट हैड कम अप विद द गाइडलाइंस, ये जो आदेश आया वो गाइडलाइंस के साथ आया, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल है डिजिग्नेशन मतलब उनका काम जो जो बताया गया ऑफ द नोडल, नोडल का मतलब होता है मुख्य अधिकारी पुलिस ऑफिसर का, ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट के, ईच डिस्ट्रिक्ट में एक मुख्य अधिकारी होता है हु विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज वेयर मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग हैव अकर्ड इन रिसेंट ईयर। उसका काम यह है कि वो ये पहचाने कि चाहे जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे विलेज हो, कहाँ कहाँ मॉब लिंचिंग हुई है, ये वहाँ पे पहुँचाने, ठीक है, ये मॉब वायलेंस हुआ है, क्लियर है, हाल फिलहाल के सालों में, ठीक है, हैव अकर्ड, अकर्ड का मतलब होना, इन द रिसेंट मतलब हाल फिलहाल के सालों में। द हेल्प ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंट, पुलिस इंटेलिजेंट की मदद से वुड वर्क टूवर्ड्स टैकलिंग सच इंसिडेंट कि इन सारे इंसिडेंट को टैकल करना है, इन कोऑर्डिनेंस विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग से विद दूसरी गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी हैं, चाहे आपके पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी हो या अदर कोई भी हो, उन सबको क्या करना, मिल करके इनमें ये ढूंढना है कि कौन कौन से गांव हैं, जिला है, ठीक है, तो वहाँ पर इस मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, दे वर आल्सो टू बी एडेड, उन्हें मदद की जाएगी या मदद दिलाई जाएगी बाय द इनिशिएटिव ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट इन सेंसिटाइजिंग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स वार्निंग द पब्लिक अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगेजिंग इन मॉब वायलेंस एंड विजिलेंटिज्म अमंग अदर मेजर्स। ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ये जब पता लगा लिया जाएगा तो होम मिनिस्ट्री हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी वो जो सेंसिटाइजिंग लॉ है गंभीर एक तरीके से, ठीक है, एनफोर्समेंट या फिर जहाँ पर ज़्यादा ये दंगे हो गए हैं, ये मॉब लिंचिंग हो गई, वहाँ पे एनफोर्समेंट मतलब लागू किया जाएगा, क्लियर, ठीक है। ऑफिशियल्स जो भी वहाँ के अधिकारी हैं वार्निंग भी देंगे पब्लिक अबाउट द कंसिक्वेंसेस कि पब्लिक का जो कंसिक्वेंसेस होता है, रिजल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ एंगेजिंग किसी चीज़ में एंगेज रहना, फिर उससे जैसे मान लीजिए विजिलेंटिज्म के तौर पे आप एंगेज हो गांव रक्षण के लिए, वहाँ पे मॉब वायलेंस हो गया विजिलेंटिज्म, ठीक है, और अमंग अदर मेजर्स और अदर चीज़ों की बात करते हो कि हम रक्षा करते हैं, तो वहाँ पे ऑफिसर का लॉ का होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक है, और ख़तरा टल सके, क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम विजिबल हो सही से, क्लियर है, ये देखिए। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेट लिंचिंग, जो लिंचिंग का केस है, मॉब वायलेंस का है या काउ विजिलेंटिज्म का है, इनकरेक्ट यूफेमिज्म, इनकरेक्ट यूफेमिज्म मतलब बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं और लेकिन वो गलत है, कैसे, क्रिमिनल एंगेजिंग इन वंटन कि क्रिमिनल ही, वंटन लोग जो कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, वही क्या कहते हैं क्रिमिनल होते हैं, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज और वो करते क्या है कि वायलेंस करते हैं माइनॉरिटीज मतलब जो संख्या में कम है उनके प्रति, फॉर परपोर्ट्रेटेड, परपोर्ट्रेटेड मतलब जानबूझ के या कथित रूप से रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कैटल, इसलिए वायलेंस कर देते उनके प्रति ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कैटल्स को, फॉर स्लॉटर के लिए, काटने के लिए, कैटल मीट बनाने के लिए, स्टिल हैपेंस सिंस जजमेंट, जब से ये जजमेंट हो रहा है तब से ये अभी भी मॉब लिंचिंग के कई शो हो रहे हैं, लिटिल
हैज़ बीन डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया गया, राज्य सरकार और द स्टेट इन क्वेश्चन, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है जब से पूछा गया है। ठीक है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो पॉइंट टू द ननसेलेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ननसेलेंस है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ले रही, ठीक है, क्या नहीं ले रही, इनडिफरेंट है, इंटरेस्ट नहीं ले रही। अगर इंटरेस्ट ले ले तो ये सारी समस्याएँ क्या हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। क्लियर, आगे देख लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, आपका सेंटेंस हो गया। आगे इन्होंने बोला है, इट डज नॉट टेक डिडक्टिव पावर टू नो डैट द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एट द सेंटर इन मैनी स्टेट डेट अलाउ फॉर द स्टीरियोटाइप एंड डेमोनाइजिंग ऑफ द माइनॉरिटीज हैज ऑल्सो प्लेड इन टू दिस। देखिए, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि पैसे सेंटेंस एक यहाँ आता है, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। देखिए कि इट डज नॉट टेक डिडक्शन पावर टू नो डैट, देखो इन्होंने क्या लिया कि इन्होंने डिडक्टिव का मतलब किसी का निगमगन करना, ठीक है, यानी कि रेफरेंस जनरल प्रिंसिपल, जैसे कि नोट क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कि जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है भारतीय जनता पार्टी की, एट द सेंटर में हो या अदर स्टेट में हो, ठीक है, अलाउ फॉर द स्टीरियोटाइप, कि वो अलाउ कर देते हैं स्टीरियोटाइपिंग, मतलब जो लकीर के फकीर, जो पुराने परंपरा में चले आए ना, उन चीज़ों को अलाउ कर देते हैं, डेमोनाइजिंग ऑफ द माइनॉरिटीज और हैज़ प्लेड इन टू दिस, और माइनॉरिटी में भी जो लोग हैं वो भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन रूल को या उनके लिए अलाउ कर देती है जो स्टीरियोटाइप हैं। बिसाइड बेंटे विजिलेंटिज्म सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी हैव आल्सो टेकन रूट इन द स्टेट वेयर दे रिसीव द पॉलिटिकल पैटर्नेज। बिसाइड, इसके अलावा विजिलेंटिज्म है, सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट, ठीक है, इकोनॉमिक तौर पर बायकॉट किया जाता है, विरोध किया जाता है इन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी का, हैव आल्सो बीन रूटेड, इसकी जड़ें फैली हुई हैं राज्यों में, दे हैव रिसीव पॉलिटिकल पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, जिन जिनको पॉलिटिकल संरक्षण जब मिला हुआ है राजनीतिक, ठीक है, सरकार का, तो वो लोग ऐसी जड़ें फैला देते हैं जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर मतभेद पैदा हो जाता है, यानी अदर कैटेगरी लोगों को क्या किया जाता है, मारा जाता है। क्लियर, ये चीज़ें हैं, किस नाम पे कि आप कैटल लेके जा रहे हो, उनका मतलब उन्हें काटो गाय को, ये सारी चीज़ें। द कोर्ट इज राइट इशू द ऑर्डर टू एजेंसी ऑफ द स्टेट इन होल्डिंग देम अकाउंट फॉर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस इन 2018 जजमेंट। कोर्ट ने तुरंत ही इशू कर दिया ऑर्डर एजेंसीज के लिए, राज्य की एजेंसी की, कि वो जिम्मेदार है चीज़ के लिए, क्योंकि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस, कि उन्होंने गाइडलाइंस को क्या नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया 2018 के जजमेंट को, यानी कि 2018 की जो जजमेंट आए, ठीक है, उसकी जजमेंट को क्या नहीं किया, लागू नहीं किया। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहता है, हाउ एवर, हालांकि इट रिक्वायर्स नो लेस देन कंसर्टेड सिविल सोसाइटी एक्शन टू टैकल द मीनेंस ऑफ मॉब वायलेंस विजिलेंटिज्म बाई सेंसिटाइजिंग पीपल टूवर्ड्स fraternal relation with other communities and avoiding typecasting them as other, ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि यहाँ ज़रूरत है no less than concerted, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी एक्शन टू टैकल, ताकि इन समस्याओं को टैकल किया जा सके, मिनिश का मतलब जो एक धमकी है, खतरा है मॉब वायलेंस होने का, ठीक है, उसको टैकल किया जा सके, विजिलेंटिज्म बाय सेंसिटाइजिंग पीपल, वहाँ पर बहुत संवेदनशील जो एरिया है, वहाँ पर जो लोग हैं बहुत जल्दी झगड़ा कर देते हैं, टूवर्ड फ्रेटरनल भाईचारा, जो भाईचारे रिलेशन है, ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसी समस्याएं जल्दी क्रिएट हो जाती हैं, तो इस एरिया को पहचानने की ज़रूरत है। अदर कम्युनिटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, अवॉइडिंग इस टाइप कास्टिंग देम एज अ अदर, ठीक है, और अवॉइड करना है कि तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, केवल भाईचारे के रूप में रहना है। क्लियर, अच्छा मैं पूरे सेंटेंस ले लेता हूँ, अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, इन तमिलनाडु फॉर एग्जांपल वेयर द हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक रूप में सेक्युलर रेशनल मूवमेंट वर एक्टिव, वहाँ पे अगर देखा जाए
तो सेकुलर मूवमेंट वहाँ पे क्या है, एक्टिव है। ठीक है, सच इंसिडेंट्स आर रेयर, और इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में देखो आए दिन होते रहते हैं। एंड इफ़ दे डू अकर, अगर मान लीजिए होते भी हैं, डोमिनेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस आउटरीच फ्रॉम सिविल सोसाइटी, और जो डोमिनेंट, ठीक है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल अभी रिप्रेजेंटेटिव है या जो जिसकी भी राजनीति चल रही है वहाँ पे क्या गुस्सा देखते हैं सिविल सोसाइटी से, आम लोगों से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ज़्यादातर केस जिनको राजनीतिक पैट्रोनेज मिलता है ना वही लोग करते हैं, और जनता वहाँ की समझ जाती है, फिर क्या होता है वहाँ से वो जनता भी भड़क जाती है। प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज़ की, जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए, ऑफ द काइंड डेट मॉब वायलेंस रीक एन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू जस्ट जुडिशियली फेट फीएट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं पहले से रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं ये लास्ट वाला सेंटेंस देता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से मैं लिख पाऊँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए ये सेंटेंस, इन्होंने क्या बोला है सेंटेंस में कि प्रिवेंटिव मतलब रोकना, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, ऑफ काइंड मतलब इस तरह के जो अत्याचार को रोकना, डैट मॉब वायलेंस रीक ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू जस्ट जुडिशली फीएट, कि आदेश यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए केवल और केवल हम न्यायालय के ऊपर जाएं या उसके ऊपर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हमें वहाँ पे लॉ को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लॉ को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जा कर के क्या होगा, ये सारी समस्याएँ ख़त्म होगी। क्योंकि आए दिन लोग अपने आप को बोलते हैं हम गाँव रक्षण के या गाँव की रक्षा करते हैं, ठीक है, तो और उस पर फिर क्या कर देते हैं, वो अत्याचार कर देते हैं। पॉलिटिकल उनको पैट्रोनेज मिला होता है, संरक्षण मिला हुआ होता है, इसलिए उनका कुछ होता नहीं है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, और जो जो ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर होते हैं, उनका मेन जो ऑब्लिगेशन है वो ये है कि लोगों की जान बचाना, ठीक है, उनको रक्षा प्रदान करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कोर्ट। ठीक है, तो ये आज का था एडिटोरियल। आई होप शो आपने एडिटोरियल पूरा एंजॉय किया होगा, और कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और जो क्वेश्चन कितने कर पाए ये भी ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपकी बुक ऐप कैसी है, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर किसी नई चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है आपको तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।